जानते थे तो शरीफ इंसान से जानते थे इनको, जब भी दर्द इनका नाम निकलेगा वाले यार क्या करना है उसे, मैं ही आका का गुलाम हूँ, भागा आया होकर पर मुझे डाल दो समंदर में। तुम डालते बड़ी सी मछली निकल गई, बड़ी सी मछली निकल गई, इसलिए सुनो उन मछली वाले, तो मछली के पेट में जिंदा रहे। फिर उसके बाद मछली ने उगल दिया, पूरे बाल गिल सब चले गए थे। तो अल्लाह ने एक बेल पैदा की थी, बेल खा को उसके उसके साय में रहकर फिर जहाँ उनको जाना था वहाँ जाके दावत का काम उनका किया। तो उन सब दोनों क्या पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक इन्नी ज़ालिम, जो भी ये पढ़ के दुआ करेगा उसकी दुआ जरूर कबूल करके अल्लाह ताला। अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम किसी मुस्लिम ने पढ़ो तो ये कहो हस्बुनल्लाह व निमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वही मददगार है। ये कौन कहते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते, ये कौन कहते, सहाबा किराम कहते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है जब आग में डाला जा रहा था तो फरिश्ते परेशान होकर, अल्लाह के खिलाफ आग में डाला जा रहा है, क्या करना क्या करना, सब आए ना क्या मदद की ज़रूरत है, मदद की, हस्बुनल्लाह व निमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वही मेरा मददगार है। तुम्हारे कोई गुजर रहता तो चाहे फरिश्ते तुम मदद करो मेरी, अगर बोल सकता नहीं बोले उन, हस्बुनल्लाह व निमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वही मेरा मददगार है, बेहतरीन मददगार वही है। तो सहाबा कराम जो है जंगे उहुद के अंदर जो है जंग उहुद में इसी जो है मुसलमानों के 70 लोग शहीद हो गए थे। तो उसके बाद देखिए अल्लाह के रसूल को भी जख्म आ गया था, वो आ गया था, फिर चलो बैठे नहीं वैसे, चलो उनका पीछा करेंगे। इसी हालत में मुसलमानों का भी फरमा बरदारी, देखो हुक्म की तौर नहीं, हमें चीते थक गई, कहाँ जाना किधर जाना, कुछ लोग थे वो मुनाफिक में सुबह से बातें करते, जो साहे ईमान थे चलो जाएंगे, गए वहाँ से। तो जो है उनको अबू सुफियान जो अभी इस्लाम कबूल नहीं करते, वो लोग बोले अरे हम कैसे लोग कि जो है उनको पूरी शिकस्त देखी, हत्या ये करने के बाद हम भाग का गए, हमेशा भाग का गए ना, अभी थोड़ा करते सब सफायत कर देते थे ना, वहाँ जाने के बाद मक्का जाने के बाद उनको पछता होने लगा, बहुत बड़ी गलती की हम लोग, हम बच को सोच रहे थे, उनको मालूम था कि पीछा करें हमारा कहता, और उनको मालूम था कि इतनी हिम्मत इनकी है, पीछा करके आ रहे हैं हमारा है ना लोग। तो एक आदमी को बोल भेजे वहाँ से, ये काफिले को भेजे, हे उन्हें बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं मक्का वाले, आप डराने के वास्ते बोले, उनको डराने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है तुम्हारा पीछा करने के लिए। तो सब साहब करने के बोले हस्बुनल्लाह व निमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वही हमारा मददगार है। तो वहाँ जिस मकाम पर ठहरे थे, उन मकाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ क्या किए, तिजारत किए, आराम से रहे, सुकून से वहाँ ठहर कर, उनको मालूम कि यहाँ ठहरे इतना नज़दीक हमारे माना पीछा करते यहाँ तक आए हैं लोग, फिर वापस चले गए। सब जो है मुझे पहले दे बस छोड़
चैन छोड़, तुम ले लो 10 बजे। बस बस नहीं लगे तो इस चीज पर हाथ पड़े सब अनाशद रजी अल्लाह तआला ने कहा कान रसूल सल्लम जिस्तका मिन्ना इंसानुन मस बियमिनी सुमा कहा अजबिल बास मिन नास रबिल अजबिल बास रब मिन नास वशफे अंत शाफे ला शिफान ला शिफाक शिफान ला युर सकमा। मैं तो आयशा रजी अल्लाह तआला अर्ज़ करती हैं कि हम इससे कोई आदमी बीमार होता तो अल्लाह के रसूल सल्लम अपना सीधा फेरते और कहते सब आदमियों के परवरदिगार इंसानों के परवरदिगार इस तकलीफ दूर फरमा दे, तू ही शिफा देने वाला है, शिफा तो तेरी तरफ से शिफा है, कामिल शिफा था फरमा, इस बीमारी का असर न छोड़े। ये पढ़ के फूक इस तरह से आप पढ़कर फूक देते उसको। अब उसे पूरी सी रिवायत है कि इन जिबिल अता नबी सल्लम उस जिबिल सलाम सल्लम के पास आए, ले मोहम्मद इससे कहते हैं पूछ गए तुम बीमार हुए हो? हाँ। नबी सलाम ने यह पढ़कर अल्लाह के रसूल को झाड़ा, बिस्मिल्लाह अरकीक मिन कुल्ली शैइन युज़ीक मिन कुल्ली शैइन नफ्सिन व हासिदिन अल्लाह व यशफीक बिस्मिल्लाह अरकीक। तो जिब्रील सलाम ये पढ़कर अल्लाह के लोगों पढ़कर फूकते थे। पढ़कर फूकना कोई गलत नहीं अमल नहीं है, पढ़कर फूक रही जो पढ़कर फूकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लम जो है इज़ाश्तका नफ़सहु जब बीमार होते नफस अला नफसी अपने आप पर जो है पढ़कर फूंकते थे बिल मौज़ाती व मस अनहु बियदी कुल अल्लाह क्लोज नास पढ़ के अल्लाह के खुद अपने आप पर फूंक लेते थे। पढ़कर फूंकना कोई
गैर शरी अमल नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। मुआवज़ात से पना मांगी गई सूरत है। बादल गलजने और बिजली चमकने की दुआ, क्योंकि अभी सुबह शाम की दुआएं कितने हैं। इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन काल जिसने सुबह के वक्त कहा तो सुभान अल्लाह ही न तुम सूना ही न तुस्बीउना वल हुन फिस समावाति वल अर्द वशीउ न तुजुन युरुल हय्य मिल मति व मैत मिल हय युज बाद मा तुकद अलिम जुन अदरक मा फातिम मिल। तो दिन भर की जो नेकियां हैं सब उसको मिल जाएंगी। रात अपने कहा था रात भर की जितनी नेकियां उसको मिल रहा सब मिल जाएंगी उसको ये पढ़ने से। نبی سید نے قال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قال ہن یا ابا الى فراشی مسید رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے فرمایا جو شخص بھی اپنے بستر کی طرف آئے اور استغفر الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ تین مرتبہ پڑھے تو غفرت له ذنوبه وان کان عدد ورق الشهر وكان عدد رمل العالج وان کان عدد ایام الدنیا अस्तगफिर अल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु हु अतूबु इलैह। क्या बहुत मुश्किल है? अगर ये पढ़े तो जो है उसके गुनाह, और ये यहाँ नहीं है दूसरी हदीस में है, अगर वो मजा नहीं उससे भाग कर गया था भी तो उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो तीन क्या फरमा रहा है, दरख्तों के पत्ते कितने हैं, रेगिस्तान के जो है जर्रे कितने हैं, दुनिया के दिन कितने हैं उसके मुताबिक गुनाह था। हमारी सारी मुसीबतें हमारे गुनाह की वजह से आती हैं। जो बारिश नहीं हो रही किसी से गुनाह की वजह से हो रही, मालूम है? बारिश हमारी जो नहीं हो रही है हमारे गुनाह कैसे रुकी रहती बारिश। तो हजरत नूह अलैहि सलाम क्या बोलते हैं, قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بآل بأموال وبنين وبجلكم جنات نزل فانهارا। ठीक है, क्या फरमा रहे हो? मैंने कहा अपनी कौम से कहा, अल्लाह से अर्ज कर रहे, मैंने कौम से कहा कि तुम अपने रब इस्तगफार करो, वो बहुत बड़ा माफ करने वाला है। आसमान से जो है मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हें तुम्हारे माल ज्यादती करेगा, तुम्हारी औलाद में ज्यादती करेगा, तुम्हारे लिए बागात उगाएगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। क्यों तुम अल्लाह से उम्मीद नहीं रखते? ठीक है, इस्तगफरो, असल चीज इस्तगफार है। दुआ जो इसकी है इस्तगफार ही। मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला हो, अल्लाह की बात का जमाना है, इस्तिगफार की दुआ के लिए गए, इस्तिस्का की दुआ के लिए गए, इस्तिगफार की, अरे आपने दुआ ही नहीं की। मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया है जहाँ से बारिश यकीन नहीं, तो हम लोग बेशुमार गुनाह में फंसे हुए। हम लोग जरा अपना जायजा लेकर देखें, बेशुमार गुनाह में फंसे हुए हैं, तो हमारे गुनाह की वजह से बारिश रुकी हुई और कुछ भी नहीं। तो बारिश कैसी होना चाहिए, सैयबन नाफियन गैर ज़ार। देखो दुआ वो भी सिखाई,
अल्लाह तुमको नफा बख्श बारिश बता फरमा, नुकसान वाली बारिश ना था फरमा। ये देखो अरे शुक्र बस ये नुकसान हो रहे देख रहे जब बादल दिखाई दे अल्लाह मनाऊज कमीशर रहा, पता नहीं है क्या क्या बरसाएगा, क्या आग बरसाएगा कि बारिश बरसाएगा। कौमे शुएब करती कि बारिश बरसाएगा लेकिन आग बरसाया उस पर। दुआ क्या करना चाहिए बारिश की, अल्लाह मागिसना अल्लाह मागिसना। कड़क रूप गरज हो रही है, अल्लाह मला तक तो ना भी गजबिक वाला तुक ना भी अजाबिक वो आफे ना आंधी आई अल्लाह में खैर रहा वो खैर माफिया तो खैर माँ उर्सलत भी और उसके में शर रहा वो शर माफिया वो शर्मा उर्सलत अल्लाह सैबन नाफियन। बस छोटी सी दुआ अल्लाह सैबन नाफियन, अल्लाह हमको नफा बख्श बारिश दे। बस अल्लाह सैबन नाफियन, बारिश होती रहती है अल्लाह सैबन नाफियन, बस इतना ही कर लें। अगिसना अल्लाह अगिसना अल्लाह हम पर बारिश बरसा, हम पर बारिश बरसा। ये बाबा क्या लिखे एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और अल्लाह के खुतबा दे रहे थे, अल्लाह के रसूल माल हिलाक हो गया बारिश के लिए दुआ फरमाइए। आपने दोनों तरफ अल्लाह अगिसना अल्लाह अगिसना अल्लाह हमको बारिश बरसा। फिर दूसरे दिन वही शख्स आया खुद क्योंकि अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा बारिश हुई रास्ता माल हिलाक हो गया रास्ते बंद हो गया। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हवा लेना वला लेना अल्लाह तो बारिश बरसा हमारे ऊपर नहीं, जहाँ हम पर नहीं बरसा, पहाड़ों पर जंगलों पर नदियों नालों पर और खेतों पर बरसा। बारिश वहाँ ज़रूरी है, हमारे ऊपर कैसा होता ये भी याद रखना चाहिए। तो बारिश यहाँ नहीं है बल्कि खेतों में नालियों में नदियों में बारिश जरूरी है। बारिश होती होती दुआ अल्लाह सही बन नाफे ने अल्लाह बारिश को नाफे बना दे। तो बहरहाल जो है तमाम किस्म की दुआएं लिखी हुई हैं, तो अफसोस के साथ ये कि जो है हम लोग जो है मैं इतना मैं समझ रहा था कि हम सारे लोग फॉलो कर रहे हैं तो उनको दो मरतबा एक्सीडेंट हुआ था, नहीं पढ़ रखा नहीं बोलता मैं, बहरहाल बहुत अफसोस की बात है। तो सब लोग उनके लिए दुआ करें। यह हड्डी टूट गई इधर की, अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो डॉक्टर खुद भी ऐसा बोला कि इसको ऑपरेशन करके करेंगे तो 8 दिन में अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा ही जो है बांधेंगे तो 25 दिन महीना 2 महीने लगे अगर बोला तो उन्हें जैसा बोले तो क्या करेंगे पेशेंट। बहरहाल जो है अब कितने दिन तक वो माजूर रहेगा मालूम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।
रब्बना वलमना अनफुसना वइन लम तगफिर लना वतरहमना लकुनन्ना मिनल खासिरीन। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل إلينا كما حملت من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا ان الله ملائكته يصلون على النبي اي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।